ठंड एकदम बढ़ गई 2-3 दिन में। हाँ हवा भी, हवा देख कितनी तेज चल रही है। मेरी कई गुवन से बात हुई, वो कह रहे कई सालों में पहली बार ऐसी ठंड देख रहे हम। बोले इतनी ठंड नहीं पड़ती। मैंने कहा मैंने खुद अभी 2 साल हो गए हैं। बोले ये हमारी तीसरी सर्दी तीसरी है, सर्दी है। तीसरी सर्दी है और तीसरी सर्दी पे ये पहली बार हो रहा है कि इतनी ठंड है। हाँ तो कह रहे तुम्हारे दिल्ली का असर आ रहा है, सही बात हमारी है, दिल्ली हमारी दिल्ली। कहीं कुछ हो जाता ना, कहते वो तुम्हारा दिल्ली वाले बंदे ने किया है, वो दिल्ली तुम्हारे दिल्ली वालों ने खरीद ली प्रॉपर्टी, तुम्हारे दिल्ली वाले आकर के ऐसा करते। वो मैंने कहा भाई मैं तो खुद उनसे दुखी होकर आया हूँ। इनके लिए दिल्ली का अच्छा मतलब है, इनके लिए दिल्ली का मतलब है पूरा उत्तर नॉर्थ। भारत, नॉर्थ, मतलब उसमें जितने भी हिंदी भाषी राज्य आ गए या पंजाब हिमाचल भी ले लो। हिमाचल के लोग तो नहीं आते, वो तो एज ए टूरिस्ट थोड़ा बहुत आते हैं। सबसे ज्यादा तो दिल्ली या यूपी से ही आते हैं लोग। हाँ पंजाबियों ने यहाँ पे बहुत प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। पर वो पंजाबी भी मेरे ख्याल से दिल्ली वाले ही होंगे, पंजाबी हाँ दिल्ली में भी तो पंजाबियों है ना। का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो जहाँ जाते हैं ना वहाँ अपना पंजाब बना लेते हैं, मिनी मिनी पंजाब। पंजाब। तो दिल्ली में भी है, उन्होंने तो कनाडा को नहीं छोड़ा था, फिर ये तो इंडिया का हिस्सा। ब्रैम्पटन, कनाडा में ब्रैम्पटन, ऑस्ट्रेलिया में है। हवा देखो यार, कितनी तेज हवा चल रही है यार। अभी भी कई सब्सक्राइबर के मैसेज आए हुए इंस्टाग्राम पे कि भी हमें मिलना है आपसे। मैंने कहा आ जाओ यार, मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम, हम सही क्या बात कर है। सकते हैं उसमें, आप आओ मिलो, हमें भी अच्छा लगता है। कितने 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर आए होंगे अभी तक मिलने ना, और हर उम्र के आए हैं, हमसे बड़े भी आए हैं, हमसे आधी उम्र के उम्र के भी आए हैं, हमारी उम्र के भी आए हैं, हमारी उम्र के भी आए हैं, अमीर भी आए हैं, गरीब भी आए हैं। या अमीर गरीब जो है वो मैं पैसों से कह रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं अमीर गरीब का ना सोच से होता है। अभी देखिए सामने दो साइकिल पर बाल्टियां बेचने वाले बैठे हैं, प्लास्टिक ये क्या कर रहे हैं साइकिल पे, क्या बेच रहे हैं? टब, बाल्टी, आइटम, प्लास्टिक आइटम बेच रहे हैं, और अभी दोनों नदी के किनारे बैठ के गप्पे वही मार मजा रहे हैं। ऐसी तुझे याद है एक और ऐसे ही कबाड़ी था जब हम बादल में रहते थे, तो उसने वो सामने बैठ के जूस जूस पीना, पीते थे। शेक हाँ, पीता वो था। मोमडन थे हाँ वो। हाँ हाँ वो या दिल्ली कई रिक्शे वाले देख लो आप, ये नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, हमारा खाने का सोने का टाइम है, खाना तो खाया सुबह कूड़े वाला दिल्ली आता में। है। हाँ नहीं दिल्ली में भी तो, मेरे कहने का मतलब ये है कि राजा होने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, राजा हाँ होने के लिए आपको राजा वाला एटीट्यूड चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। आपके अंदर फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए। और ये क्षमता खत्म करता है हमारे अंदर हमारा धर्म और स्कूल। अभी लोगों को लगता है कि मैं स्कूल के सिस्टम के खिलाफ हूँ तो गलत हूँ, तो मैं इसके ऊपर अभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आज। पढ़ाई के नहीं खिलाफ है, पढ़ाई के खिलाफ है, शिक्षा के खिलाफ नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे, अरे भाई जो बनना चाहता है वो और बने। जिसमें बनने की क्षमता है उसको बनाओ ना। बनना चाहता है क्षमता नहीं है ये नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि ये बनना चाह उसकी चाहत तो हम डाल देते हैं ना बचपन से। जिससे पूछो क्या बनोगे बड़े हो गए, ये बनूंगा ये बनूंगा ये बनूंगा। अभी वो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो वो उसमें उसने ये बोला, मैंने कहा अगर किसी ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे हाँ। तो वो कहेगा कि देखो यार ये बिल्कुल उनकी वाली बात कर रहा है। किसी ने उसके बाद मेरे वीडियो वो देखे होंगे तो कहेंगे कि कहेंगे यार ये इन्होंने उसकी सुननी है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। एक्चुअली में क्या है ना, जो भी आप जब लोगों से इंटरेक्ट होगे ना तो आपके विचार सेम होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस सेम होगा ना लोगों से। जैसे विवेकानंद ने लाहौर से कन्याकुमारी की जो यात्रा करी थी और उसके बाद जो कंक्लूजन दिया, और जब मैंने ये ट्रैवलिंग वगैरह करी उसके बाद जो मेरी राय थी वो दोनों सेम थी, और उससे पहले मैंने उनके बारे में एक शब्द नहीं पढ़ा था। मतलब मैं उनके म्यूजियम में कन्याकुमारी में बाद में गया था, वो जहाँ पे ये सब कोट वगैरह लास्ट लिखे थे में गए थे वो लास्ट तो। में, राय मेरी पहले से ही ऐसी थी। क्योंकि जब और किसी की भी हो सकती है, आप जाके 100-200 लोगों से मिल लो और मिलते रहो लगातार, आपको भी समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। इतना कमजोर बना दिया हमें पढ़ाई ने और एजुकेशन ने कि लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी फैसला नहीं ले पाते।
ट्रेंड चलता है ना, भीड़ ट्रेंड को फॉलो करती है, ये ट्रेंड सेट नहीं कर पाते। आजकल थार का देखो, जो जीप गई ना थार है, इससे पहले बहुत साल पहले तुझे पता जिप्सी का दौर चल रहा था, जिप्सी, फिर वो बंद हो गई, पुलिस वालों को दे दी गई। और अभी बाइक में वो बुलेट का चला हुआ है, बुलेट बुलेट का चला है। कभी सोचा किसी ने कौन चलाता है, कौन चलाता है इसके पीछे की? जब रिसर्च करोगे ना तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे बड़ी बड़ी कंपनी है। कभी सोचा है कि ये मीम कौन बना के देता है? मतलब कोई आदमी बैठे बैठे वेला बैठे बैठे मीम थोड़ी बनाएगा, या कोई ऐसे कंटेंट नहीं बनाएगा जो थोड़े से गलत है पर वायरल हो सकते हैं या लोग शेयर करेंगे। कोई तो उठ के सुबह डिजाइनिंग करता होगा ना गुड मॉर्निंग का मैसेज, ये सब कंपनियां करती है। रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं इसको, रिवर्स साइकोलॉजी। अभी जो मूवी का पंगा चल रहा है ना, एक मूवी जो है अभी कौन सी आ रही है, वो पठान, पठान, वो रिवर्स साइकोलॉजी है, वो ज्यादा चलेगी इस चक्कर में। रिवर्स साइकोलॉजी में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट कर दो और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपोजिट हो जाओ। तो अपोजिट तो नहीं होते हैं, मतलब नेगेटिव, वो नेगेटिव कैंपेनिंग में आ जाएगा। ये क्या करते हैं, एक चीज को सपोर्ट कर देते हैं। जैसे ही आप उस चीज को सपोर्ट करते हो, जो उस चीज के खिलाफ है वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि वो खिलाफ हो गए, अब वो जो जिनको आपने सपोर्ट किया था, जो आपके तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे, वो कहेंगे अच्छा हमें सपोर्ट किया इसलिए तुम इनके खिलाफ हो गए, अब हम इसको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। फिर उस अपोजिट साइड पर वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, वो भी खुल के सामने आए थे, कंपनी बैठ के तमाशा देख रही है। इसको बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। और ये आज से नहीं चल रही है, मतलब जब से साइकोलॉजी बनी है, आप अपने सामने दो आदमी ऐसे खड़े कर दो और उनको तनख्वाह दो हर महीने, उनको बोलो कुछ नहीं करना, तू हमें दिन भर 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 के गाली दे, देखना तुम स्टार बन जाओगे। क्योंकि वैसे कोई तुम्हें ध्यान दे ना दे, ऐसे जरूर दे ले। वो ये पता करेंगे किसको गाली दे रहा है। और गाली को इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब बुराई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो उसके साथ मिलके आपकी बुराई करेंगे तो भी आप जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। और वो बोलेंगे यार ये कितना नीच आदमी है, बताओ एक आदमी को गाली दे रहा है, तो वो आदमी कौन है ये उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले। दोनों ही सूरतों में आपकी दुकान चलेगी। जैसे रामदेव ने मैगी के खिलाफ बोल के मैगी को एक्चुअली में और ज्यादा उसकी सेल इंक्रीज करवा दी, बैन भी हुई मैगी, सब कुछ हुआ। उसके बाद में जो नहीं भी मैगी को समझता था मैगी, वो भी पता चला कि अरे अच्छा इसमें ये नहीं है, अच्छा इसमें ये भी नहीं है। बाद में तभी तो बैन हटा ना, तो वो उन्होंने और प्रमोट कर दिया, इसमें तो हम ये विटामिन भी दे रहे हैं। कहाँ गए? ये रहा वो पेड़ के पीछे। अच्छा, ऐसे ही दूर दूर बैठ के रहता है बस। मैं ये यूट्यूब का ना एक बड़ा फायदा हुआ अपने को कि अपने को अपने जैसे लोग मिल रहे हैं, मतलब। और ये जो लोग है ना, ये थिन लेयर पे अटके हुए हैं, मतलब कंफ्यूज थे। ऐसा थोड़ी कि 500 लोग देख रहे हैं तो 500 के 500 लोगों में बदलाव आ जाएगा। हाँ सही बात है, उनकी पहले से कुछ बदलाव कई लोगों में आया, कुछ लोगों ने बोला, मतलब उससे कम लोगों ने बोला, उससे भी बहुत कम लोग मिलने आए। और क्योंकि वो ना उनको मालूम क्या है, ऐसा लगता है लोगों को कि मेरे को ज़्यादा पता है, कई लोगों को ऐसा लगता है। और कई लोग इस चक्कर में कहते हैं कि क्या ये बेकार का दिन भर बातें करता रहता है। सच ये है कि आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस की कमी आती है जब आप ज़्यादा चीज़ें जानने जाते हो। क्योंकि मेरे को मालूम है कि यार मैंने चाणक्य की बात करी तो चाणक्य ने तो बहुत सारी बातें करी जो मेरे को नहीं मालूम। अब कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा? सुकरात प्लेटो और अरस्तु की बात करी तो मैं जानता हूँ कि अरे यार अभी तो उसकी द रिपब्लिक भी नहीं पूरी पड़ी, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक्चुअली मैं इसलिए, तुमने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं ना, वो और ज्यादा कम बोल, मतलब वो तो हम्बल हो जाते हैं थोड़ा सा कम, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो थोड़े से इम्प्रेस हो रहे हैं इनसे तो ज्यादा पता है, पर एक्चुअली में जितना पता होना चाहिए उससे तो बहुत पीछे हूँ। अभी मेरे को ये है कि यार मैं कई चीजें अभी नहीं पढ़ पा रहा, तो वो चीज का भी एक अपने अंदर वो रहता है कि अरे यार तुम YouTube पे भाषणबाजी करते हो, खुद तो तुमने पढ़ा नहीं है। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको
आपके अहंकार को कंट्रोल करता है, इसलिए बोलते हैं जितना ज्ञान होता है तो उतना उदार होता जाता है। अभी ये जो मेरे बोलने की है ना, ये तो मेरी प्रवृत्ति है, प्रेजेंटेशन है ना। एक आदमी अलग तरीके से बोलता है, एक आदमी नॉर्मल भाषा में बोलता है, तो वो तो बोलने की प्रवृत्ति है। देखो कहाँ केले के पेड़ के पीछे छुप के दिख रहा है, वो ऐसे ही बैठता है अकेले में एंजॉय करके। क्या करे, भूख लग रही है, चाय पीनी है अभी जाके। मैंने सोचा चाय पे चर्चा पे वीडियो बनाएंगे, दो तीन दिन से बना लो, फिर मैंने कहा यार थोड़ा गला भी वो हो रहा था, तो मैंने कहा चलो धूप में जाके बैठूंगा, यहाँ के छांव में बैठ गए, यहाँ चर्चा हो गई। ये चर्चा चर्चा नहीं है, वो चाय के हर हर कॉन्सेप्ट ना हमारे वीडियो का अलग अलग है। चाय पे चर्चा पे एक अलग फ्लो होता है, जो मैं अकेले बैठ कर किसी टॉपिक पे बोलता हूँ उसमें अलग फ्लो होता है, और यहाँ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ इस पे अलग फ्लो है। बच्चों को जब होम स्कूलिंग का पढ़ाता हूँ तो उसमें एक अलग फ्लो होता है, उसमें तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं सच में टीचर हूँ, 9th पास टीचर। उसमें मेरे कभी शब्द देखा कर, मेरे शब्द एकदम चेंज हो जाएंगे, जैसे टीचर होता है ना जोर दे दे करके समझाता है। कई लोग पहले बड़ी शिकायत करते थे कि यार आप ना एक ही बात को बार बार क्यों बोलते, मुझे भी लगता था, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि वो भी एक तरीका होता तरीका है, साइकोलॉजी है। आप उस चीज को बार बार बोलोगे तो वो बात आपके अंदर जाएगी, समझ में आएगी। इसीलिए मंत्रों को बनाया गया कि मंत्रों को बार बार रिपीट क्यों करवाते हैं, ये एक माला जपो, एक माला का मतलब होता है 108 बार उस मंत्र को बोलना। कि बार बार बोलने से वो जब बार बार टकराएगी सबकॉन्शियस के दरवाजे पर, तो एक बार वो दरवाजा खुल जाएगा। इसकी बैटरी भी लो हो रही है यार। किसकी, फोन की? टॉनी का है, देखो वो एंजॉय कर रहा है बैठ के, वो ज्यादा एंजॉय करता है। हाँ, उसको ऐसे फ्री बैठना होता है यहाँ आके, तब जाकर उसको शांति मिलती है। कहाँ जा रहा है भाई, तेरे को दिखाने के लिए आया था। बगुले घूम रहे, बगुले ये पहले डरते थे टोनी से, अच्छा अब साथ में घूमते। नहीं बगुले ना बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, तुमने देखा नहीं भैंस की पीठ पर बैठे होते हैं। हाँ। और भैंस की पीठ पर बैठ करके उसके कीड़े खाते रहते। हाँ, परजीवी परजीवी।